भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए आए दिन नई नई सुविधाओं से उनके सफर के अनुभव को और भी बेहतर कर रहा है। इसी बीच रेलवे ने एक और ऐसी सुविधा यात्रियों के लिए पेश की है जिससे यात्रियों का सफर का अनुभव और भी बेहतरीन हो जाएगा। दरअसल रेलवे ने फ्री मोबाइल और वाईफाई कॉलिंग और कई अन्य सुविधाओं की शुरुआत की है। इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। पीयूष गोयल के अनुसार इस सेवा की शुरुआत अभी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर की गई है। इसी के साथ कई अन्य सेवाएं भी यात्रियों को दी जा रही है। बता दें कि पीयूष गोयल ने सुविधाओं की जानकारी देने के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि मेक इन इंडिया मुहिम के तहत रेल मंत्रालय ने विशाखापट्टनम स्टेशन पर पहला ह्यूमन इंटरैक्टिव इंटरफेस सिस्टम लगाया है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न कारणों के चलते 16 जनवरी को 460 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें ज़्यादातर गाड़ियों को गुरुवार के लिए पूरी तरह रद्द कर दी गई है, जबकि कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रेन भी कैंसिल की गई है, जबकि कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। ऐसे में लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।